नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट के इस फैमिली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी 2015 बैच के रिजल्ट की घोषणा कब की जाएगी और क्या बीटीसी 2015 बैच आगामी 95,000 सहायक अध्यापकों की लिखित परीक्षा में शामिल हो पाएगा। तो यदि आप भी ऐसे प्रश्नों से जूझ रहे हैं तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आज परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नए सचिव द्वारा ही दिया गया है। तो यदि आप भी इस बैच से रिलेटेड हैं तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज बीटीसी 2015 बैच के कैंडिडेट्स का एक ग्रुप परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नए सचिव से मिलने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर पहुंचा था। दोस्तों, यहां पे मैं एक चीज़ बता दूं कि कैंडिडेट्स का प्रतिनिधि मंडल का ग्रुप लगातार 3 दिन से प्रयास कर रहा था नए सचिव से मिलने के लिए, लेकिन सोमवार को उन्होंने देर शाम में अपना पद ग्रहण किया जिसकी वजह से कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए। और मंगलवार को ज्वाइन करने के बाद मंगलवार को उनको फिर से लखनऊ जाना पड़ा मीटिंग की वजह से, उसके वजह से कैंडिडेट्स उनसे नहीं मिल पाए थे। लेकिन आज बुधवार को बीटीसी 2015 बैच के कैंडिडेट्स उनसे मिल पाए और ज्ञापन सौंपते हुए सभी समस्याओं को उनके सामने रखा। दोस्तों, उसके बाद से नए सचिव ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस हफ्ते के अंत तक यानी शनिवार तक किसी भी तरह बीटीसी 2015 बैच के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। और अगला प्रश्न यह था कैंडिडेट्स की तरफ से कि क्या आगामी लिखित परीक्षा में बीटीसी 2015 बैच शामिल हो पाएगा। तो इसके उत्तर में उन्होंने यह बोला था कि चूंकि यूपी टेट और आगामी 95,000 सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा दोनों परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को ही करानी है, तो यह सभी बातें उनके संज्ञान में है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और भरोसा दिलाया है कैंडिडेट्स को कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, आपको फिर से यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कीजिए और बीटीसी 2015 निश्चित तौर पर आगामी सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में शामिल होगा। तो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स जो इस बैच से रिलेटेड थे काफ़ी परेशान थे सभी चीज़ों को देखते हुए कि क्या आगामी लिखित परीक्षा में वो शामिल हो पाएंगे कि नहीं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और अब आप निश्चित तौर पर सभी व्यवधानों से किनारे हटते हुए अपनी तैयारी को पूरे जोर के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको भविष्य में कभी ऐसा मौका और इतनी बड़ी वैकेंसी मिल पाएगी। तो यह मान करके अपनी पढ़ाई को कीजिएगा कि यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। करियर बिट की यह फैमिली आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलती है और उम्मीद करती है कि 2015 बैच के सभी 80,000 अभ्यर्थी इस आगामी 95,000 सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होते हुए अपना चयन सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक बने रहिए करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।